नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, क्योंकि वैसे तो लेट है आपके हिसाब से, लेकिन अभी क्या है कि पूरे भारत में ही लगभग बारिश का मौसम दोबारा से छाया हुआ है, क्योंकि इस बार जो है समय से बारिश न होने के कारण लेट बारिश हो रही है। तो इसीलिए आज का टॉपिक, आज का वीडियो बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आप लोगों को समय पर इसकी जानकारी दे दी जाए ताकि आप एक अच्छी खेती कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अधिक मुनाफा बरसात की सीजन में हम सब्जी लगाकर कैसे कमाएं और कौन कौन सी वैरायटियां हम उस पर लगा सकते हैं, क्या क्या सब्जी। तो बारिश में सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, बरसात के मौसम में कौन सी सब्जी लगाएं, बरसात में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, आज के सारे टॉपिक यही है कि बारिश में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे हमें ज्यादा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट हो सके। क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों, वैसे तो देखा जाए कि सब्जियों को लगाने का अलग अलग सीजन होता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों सीजन में अलग अलग सब्जियां लगाई जाती हैं। आप सभी को पता होगा क्योंकि कोई भी सब्जी अगर हम बाजार में लेते हैं तो लगभग आज की डेट में 12 महीने मिलने लगी है, कुछ एक सब्जी छोड़ के। तो जैसे कि पूरे वर्ष जो हम सब्जियां लगाते हैं, 12 महीने जो हम लगा सकते हैं, तो उसमें जो है मूली है, पालक है, पत्ता गोभी है, बैंगन है, आज को ये सब जो है देखा जाता है कि ये हम पूरी वर्ष, जिसमें टमाटर भी है, इसमें पूरी वर्ष अगर अलग अलग वैरायटियों का हम चयन करते हैं तो पूरी वर्ष हम इनकी फसल ले सकते हैं। तो बहुत से किसान बेमौसमी सब्जियों की खेती करते हैं जिसकी सीजन में की गई सब्जियों की अपेक्षा उसकी पैदावार तो आधी रहती है, लेकिन उसमें जो हमें रेट मिलता है वो कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए जो उत्पादन अगर हमारा घट जाता है तो उसमें हम रेट में उसको कवर कर लेते हैं। उत्पादन आधा घटा है लेकिन रेट हमें डबल से भी ज्यादा है। सपोज करके चलो, अगर घिया सीजन पे 10 रुपए किलो है तो ऑफ सीजन वो 30 से 40 रुपए होती होती है। तो मतलब उत्पादन हमारा कितना घटा, मतलब 10 की जगह अगर 20 की बिकती तो बराबर में हो जाता है, लेकिन वो बिकती है 30 और 40, तो वहां पे रेट ऑफ मार्जिन में हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से जो किसान साथी बेमौसमी सब्जी करते हैं तो वो थोड़ा टेक्निकल विषय होता है करने का, और उसमें हमारी मेहनत भी ज्यादा लगती है, प्रोडक्शन घटती है, लेकिन उसमें हमारा प्राइस रेट हाई रहता है। तो ये तो हो गई बेमौसमी। अब लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बिना सीजन के अगर आपने लगा ली तो उसमें फल फूल आता ही नहीं है, तो उसमें किसान जो है नुकसान उठाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है कि हम इस समय कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप अच्छी फसल और अच्छी वो चाहते हैं कि बारिश में कौन कौन सी, और इसके आप जानकारी अगर आपको होगी तो आप इसमें चूक नहीं खाएंगे कि हमें किस सीजन में क्या लगाना चाहिए। मान लो अभी बरसात की सीजन चल रही है तो इसमें अगर हम प्रॉपर वही फसलें लगाएंगे जो बाकी में बरसात में अच्छी फलती फूलती हैं तो हमें उसमें अच्छा उत्पादन, अच्छी बेनिफिट होने वाली है। तो जैसे कि भारत में जो बारिश का महीना वैसे होता है वो जून से लेकर अगस्त तक होता है, लेकिन क्या है कि अगर ज्यादा लेट, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बरसात लेट होती है आज की डेट में, तो वो 15 सितंबर 20 सितंबर तक जो है वो बरसात का ही मौसम माना जाता है। तो इसीलिए अभी जो सीजन है वो बरसात की ही मानी जाएगी, क्योंकि लेट बारिश हुई है तो उसकी जो है बुवाई कर सकते हैं। तो बहुत सी सब्जियों के बीजों की जो प्रमुख खेतों में बुवाई की जाती है, तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी है। तो जो बारिश के मौसम, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि मौसम चाहे कोई भी हो लेकिन बरसात में जो है तीन तरह की सब्जियां होती हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है वो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि लौकी है, तोरई है, करेला है, वो करेला है, कद्दू है, और ये सब चीज़ें जो हैं इसमें परमल है, कुंदरू है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो होती हैं बेल वाली फसलें। दूसरी होती है खड़ी फसल। खड़ी फसल जैसे भिंडी है, और इसी में जैसे वो है दरारी की फरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खड़ी होती हैं। आजकल सेम की जो नई वैरायटी आई है वो खड़े में होती है, एक बेल वाली होती है, खड़े में होती है। तो इस तरीके से जो है वो खड़ी फसलें होती हैं। तीसरी जो लगती है वो जमीन के अंदर जो कंद वाली फसल होती है वो लगती है। तो ये सब जो है लगाई जाती है। लेकिन बारिश की जो मुख्य प्रमुख सब्जियां हैं वो कौन सी हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूं। अगर आप इन सब्जियों के बारिश के मौसम में लगाते हो तो ये बिल्कुल बारिश में सूटेबल होती हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो जो सबसे एक पहले पे है वो फूल गोभी है, जो आप बारिश के महीने में लगा सकते हो।
दूसरा इसी की सेगमेंट में एक पत्ता गोभी आती है, वो भी आप बारिश के सीजन में लगा सकते हो। तो ये सब बारिश के सीजन में, जिसमें आप ब्रोकली है वो भी आप बारिश के सीजन में लगा सकते हो, आप रेड कैबेज है वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि बारिश के मौसम में लगाओगे तो सर्दी पकड़ लेगा, मौसम ठंडा हो जाता है। तो आप जो है ब्रोकली लगा सकते हो, रेड कैबेज लगा सकते हो, जिसमें आप खीरा लगा सकते हो, आप इसमें बैंगन लगा सकते हो, टमाटर लगा सकते हो, आप इसमें लोबिया लगा सकते हो, आप करेला लगा सकते हो, इसमें आप लौकी जिसको गिया बोलते हैं वो लगा सकते हो, आप इसमें पालकी लगा सकते हो जो पालक होता है, इसमें आप तोरई लगा सकते हो, आप इसमें बीन्स लगा सकते हो, आप भिंडी लगा सकते हो, आप प्याज लगा सकते हो, आप इसमें चौलाई लगा सकते हो और मूली लगा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि बारिश के मौसम में आप तीन तरीके की जो है सब्जी वर्गी की खेती कर सकते हो, एक बेल वाली है, एक खड़ी फसल है, एक कद वाली है जो जमीन के अंदर होती है, जो जड़ वाली फसल है। तो इसमें जैसे मैंने सब्जियों के नाम बताए हैं, तो इसमें आप ये मान के चलो कि जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, या बैंगन है, या टमाटर है, ये सब जो है, भिंडी है, और ये जो चीज़ें हैं वो हो गई खड़ी हुई फसल है। अब इसमें बेल वाली फसल है, वो बेल वाली फसल में आप इसको करेला ले लो, लौकी ले लो, खीरा ले लो, ये तोरई ले लो, ये सब हो गई कौन सी फसलें, ये बेल वाली हो गई, और बाकी की जैसे कि मूली है, प्याज है, ये सब हो गई कंद वाली फसल। तो इन फसलों को आप जो है ले सकते हो। एक बार से फिर मैं आपको बता दूं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, बैंगन, लोबिया, करेला, ये सब जो है आप लौकी, पालकी, तोरई, बीन्स, भिंडी, प्याज, चौलाई, मूली आदि, ये ब्रोकली, रेड कैबेज, ये सब आप इन सीजन में लगा के एक अच्छा फायदा ले सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।